मीटिंग मीटिंग डॉट मिनट में खत्म होनी चाहिए, ये टाइम कीपर का मेन रोल है। तो टाइम कीपर की वजह से हमारी मीटिंग डॉट टाइम पे फिनिश होगी। जैसे वो डॉट टाइम पे फिनिश होती है, यू गेट दी, मतलब आपको एक रिकग्निशन मिलता है और आपके मीटिंग की एनर्जी बूस्ट रहती है कि एक टाइम पे मीटिंग फिनिश होती है। एंड हाउ अ टाइम कीपर कैन डू दैट, कैसे करेंगे वो टाइम कीपर, उनको क्या करना होगा उसके लिए? उनको पहले तो समझना पड़ेगा कि ओपन नेटवर्किंग का कितना स्लॉट है, फिर सब चीज़ों के स्लॉट कितने टाइम के है वो उनको पता रहना चाहिए। और वो कनेक्ट पे टाइम कीपिंग का ऑप्शन है वहाँ पे वो। So we have an application called VNI Timer. VNI Timer application है जिसमें आप टाइमिंग चेक कर सकते हैं वीकली बेसिस पे 30 सेकंड्स। बहुत ही सिंपल यूज करने में है। अगर आपने भी देखा था ऊपर तो मैं 5 मिनट का जो एडजस्ट स्लॉट है उसका मैं टाइम वहाँ पे बजा रहा था, क्योंकि मैम ने कहा था 5 मिनट, मुझे याद दिलाना। सो वेरी सिंपल टू यूज ये एप्लीकेशन। टाइम कीपर को डाउनलोड करना है और स्पेशल से पूछ लेना है कि किस चीज़ के लिए कितना टाइम है। टाइम कीपर का एक और काम आ जाता है, 7:58 को जब उन्हें मालूम है मीटिंग शुरू करनी है तो LBH या हेड टेबल में जो भी साथ में मिले उनके साथ जाकर के क्लैप करें और सभी को अंदर लेकर के आए, ताकि डॉट टाइम जो भी आपका मीटिंग स्टार्टिंग टाइम है उस टाइम पे मीटिंग शुरू हो। जो आपका फीचर प्रेजेंटेशन है उसको आपको बता देना है कि आपके 8 मिनट में से 6 मिनट पर मैं एक बार पिंग करूंगा, तो आप समझ जाना आपके पास 2 मिनट और है। तो जब फीचर प्रेजेंटेशन डिस्टर्ब ना हो और वो प्रिपेयर रहे कि मुझे अब 2 मिनट में फिनिश करना है, तो टाइम कीपर को कैसे वो मीटिंग टाइम पे पूरी हो सकती है इसका ध्यान देते हुए करना है। एंड आई रिक्वेस्ट प्रेसिडेंट्स टू रिकॉग्नाइज देम एज वेल एट द एंड, क्योंकि उनकी वजह से मीटिंग जो है वो टाइम पे फिनिश होती है। दिस वाज अबाउट टाइम कीपर। नेक्स्ट वी हैव वीवीआईपी गेस्ट कोऑर्डिनेटर। डू वी हैव द कैटेगरी? यस, वीवीआईपी गेस्ट। एनी वीवीआईपी गेस्ट कोऑर्डिनेटर इन द रूम? क्या काम है एज ए वीवीआईपी गेस्ट कोऑर्डिनेटर का, क्या काम है और कैसे आप चाहते हैं जिनकी वजह से मीटिंग में एनर्जी बूस्ट हो? व्हाट यू आस्क फॉर वीवीआईपी कोऑर्डिनेटर, यानी कैन ग्रेट गिवर। सो वीवीआईपी कैन ग्रेट गिवर, तो वीवीआईपी कौन है, क्या है वो, उनका काम है एज ए कोऑर्डिनेटर में क्या काम करना चाहिए, आपको क्या लगता है? डिफरेंट जो कैटेगरीज है उसमें से उसे उनसे अलग अलग कैटेगरीज को सर्च करते रहना है आइडेंटिटी, ताकि उसमें से हम वीवीआईपी को बुला सकें। एक ये काम हो गया। व्हाट एल्स? व्हाट मेंबर को, हर कैटेगरी के मेंबर को उसका फायदा। परफेक्ट। व्हाट एल्स कॉन्ट्रैक्ट शुड डू, कैसे आइडेंटिफाई करेगा वो अलग अलग कैटेगरीज उसके खुद के कॉन्ट्रैक्ट में से? उसके कॉन्टैक्ट्स है, पावर टीम है, पावर टीम की हेल्प ले सकता है, वहाँ से वो कंसल्ट कर सकता है कि कौन वीआईपी, वीआईपी उनके इसमें है। इवन ही कैन स्पीक विद द सीनियर पर्संस इन द चैप्टर, लाइक अभी हमारे चैप्टर में जैसे विक्रांत केसकर हैं, अभिजीत कापसे हैं, दे हैव गॉट गुड कनेक्ट्स, दे आर सीनियर पर्सन इन देयर ओन फील्ड, तो दे कैन डेफिनेटली हेल्प वीवीआईपी गेस्ट कोऑर्डिनेटर टू कॉल एमिनेंट पर्सन फ्रॉम देयर यस देयर फील्ड। तो सबसे पहला काम क्या हो गया, वीवीआईपी गेस्ट को बुलाना है, लेकिन कितनी बार, कितनी बार आने चाहिए? सजेस्ट करना चाहूंगा कि देखिए वंस इन अ मंथ अगर आप बुलाएंगे तो वो वीवीआईपी का जो एक जज्बा होना है वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगा। हर महीने कोई वीवीआईपी आ रहा है तो वो कम हो जाएगा, तो वो हमें अवॉइड करना है। वंस इन अ टू मंथ हो सकता है। हमें क्या करना है, हमें हमारे कैलेंडर में वीवीआईपी गेस्ट कब कब कौन से दिन बुलाने हैं अगर फिक्स कर लेते हैं और कौन से कैटेगरी से बुलाना है ये फिक्स कर लेते हैं, तो हमारे चैप्टर में मैसेज डालना है। जैसे मनीष ने कहा सीनियर मेंबर को पूछो, मैं कहता हूँ हर मेंबर को पूछो, हर मेंबर को पूछो कि हमें इस फील्ड से वीवीआईपी गेस्ट चाहिए, इफ यू नो लेट मी नो, आप मुझे उसके बारे में डिटेल बता दीजिए। तो आपके पास वहां पे 5-6-7 नाम आ जाते हैं, आपको उनमें से चूज करने में आसानी हो जाती है। तो दिस इज हाउ यू कैन डिसाइड कि कौन सा वीवीआईपी गेस्ट हमें बुलाना है। तो वीवीआईपी गेस्ट कोऑर्डिनेटर का रोल हो गया है चैप्टर मेंबर्स से नाम लेना जो उनके कॉन्टेक्ट में वीवीआईपी। नाउ एवरी चैप्टर हैव डिफरेंट डेफिनेशन ऑफ वीवीआईपी, वो आप खुद सेट करें हेड टेबल से मिल करके कि हमारे चैप्टर में वीवीआईपी डेफिनेशन क्या है, और अकॉर्डिंगली आप बुलाएं।
एक चीज ध्यान में रखिए, वीवीआईपी गेस्ट को अगर आप बुला रहे हैं कि वो इवेंचुअली मेंबर बन जाएगा तो ऐसा नहीं होता है। तो इस तरह से भाई वो आगे जाके मेंबर बनेंगे ये सोच के हम वीवीआईपी बुलाते हैं तो वो नहीं बनेंगे, ये हमें ध्यान में रखना है। और वैसा फोकस होगा तो आप गलत आदमी को बुला रहे हैं, तो ये हमें ध्यान रखना है। एंड वीवीआईपी गेस्ट कोऑर्डिनेटर 2 महीने में एक बार वीवीआईपी गेस्ट मीटिंग अरेंज करें, जिससे एनर्जी बिल्ड होती है चैप्टर में एंड प्लस आपके लिए कनेक्ट खुल जाते हैं, आपके लिए बहुत सारी नई ओपनिंग्स है वो आ जाती है। तो बीइंग अ वीवीआईपी गेस्ट कोऑर्डिनेटर आपके लिए बात होता है।